हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मम्मास मैजिक पर। और आज हम बनाने वाले हैं पीनट बटर, जो आप सिर्फ चार चीज़ों से घर पे बना सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई और उसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है लगभग 250 ग्राम कच्चे पीनट्स। अब इसे हम रोस्ट कर लेंगे लगभग 5 से 7 मिनट्स के लिए। पीनट कढ़ाई में ऐड करने के बाद हमें लगातार इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है, ताकि जो हमारे पीनट्स हैं वो जल ना जाए। इस तरह से हम कंटिन्यू से चलाते रहेंगे और इसे धीमी आंच पे आप रोस्ट कीजिए। देखिए, अब छिलके धीरे धीरे काले होने लगे हैं। 5 से 7 मिनट के बाद जो छिलके हैं और इस तरह से काले हो जाएंगे और छिलकों में क्रैक भी आ जाएगी, मतलब हमारे जो पीनट्स हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। चलिए मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। देखिए, हमारे पीनट हैं वो ठंडे हो चुके हैं। अब इस तरह से दोनों हाथों के बीच प्रेस करते हुए इनके जो छिलके हैं वो धीरे धीरे इस तरह से निकलते जाएंगे, बहुत ईजिली निकलते जाएगा। देखिए, जो छिलके हैं और पीनट हैं उस तरह से हमने निकाल लिया है। अब इन्हें छिलकों और जो पीनट है उन्हें हमें सेपरेट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक दूसरी प्लेट ली है और जिस प्लेट में पीनट है उसे हम इस तरह से अप एंड डाउन करेंगे, तो छिलका वजन में हल्का होता है तो ईजिली नीचे वो गिरते जाएगा। अगर आपको कोई दूसरी टेक्निक पता हो तो उससे भी आप ये छिलके निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह रोस्टेड पीनट जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे पीनट है जो है उसे अच्छी तरह से मैंने निकाल लिया, छिलकों से सेपरेट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी छिलका नहीं है। अब हमें लेंगे यहाँ पे एक ग्राइंडर जार और जो हमने रोस्ट किए हुए पीनट्स हैं उसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें जो ये पीनट है उसे दो बार मिक्सर ऑन एंड ऑफ करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। इस तरह से पीनट में ऑयल होता है तो वो इस तरह से दिखेंगे। मैं वापस एक बार आपको दिखा देती हूँ। अब हमें इसमें ऐड करना है पीनट ऑयल, जो मैंने लिया लगभग 3 टेबलस्पून, और इसमें ऐड कर देंगे शुगर 3 टेबलस्पून। आप शुगर की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या इसकी जगह आप हनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। सॉल्ट आप अपनी पसंद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/4 टेबलस्पून सॉल्ट लिया है। अब वापस हमें इसे ग्राइंड करना है अच्छी तरह से, तो चलिए हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये हमारा पीनट बटर रेडी है, एकदम क्रीमी बना है, बहुत ही सिंपल है। आप इसे इजीली घर पे बना सकते हैं, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और चलिए मैं इसको अब एक जार में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। आप इसे जार में भर के लगभग 1 महीने या उससे भी ज़्यादा पीनट को बटर को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।